सभी सुनने वालों ने उन पर मनी मन विचार कर कहा, पता नहीं यह बालक क्या होगा। वास्तव में बालक पर प्रभु का अनुग्रह बना रहा। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1:66। क्रिसमस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सभी प्रभु का जन्मोत्सव की तैयारी में लगे हुए हैं। आजकल के सुसमाचार में उनके जन्मोत्सव के बारे में हमें बतलाया जा रहा है, लेकिन आज का सुसमाचार योहन बपतिस्ता के जन्म के बारे में हमारे सामने रखा है। योहन बपतिस्ता जो सभी नबियों में महान नबी थे, पुराने व्यवस्थान के अंतिम नबी और नए व्यवस्थान के पहला नबी, जो प्रभु का रास्ता तैयार करने के लिए संसार में आने वाले थे, उनके जन्म के बारे में आज हम सबों को ज्ञात कराया गया है। एलिजाबेथ मरियम के साथ 3 महीने रहने के बाद जब वापस लौटी, उनका प्रसव का समय पूरा हो जाता है और वो एक पुत्र को जन्म देती है। जब नाम रखने का समय आता है, उनसे पूछा जाता है, आप क्या नाम रखेंगे? जकरुस उस समय गूंगा थे, बोल नहीं पा रहे थे, तो एलिजाबेथ कहती है उनका नाम योहन रखा जाएगा। कुटुंब के लोग सब अचंभे में पड़ जाते हैं। वह प्रथा थी जो अपने कुटुंब का नाम है वही अपने बच्चों पर रखा जाता था, और उनका कुटुंब में किसी का नाम योहन नहीं था। तब वह आके अपने पिता, अपने पति, उनके पास पूछा जाता है इनका नाम क्या रखना है। वो लिखित रूप से कहते हैं उनका नाम योहन रखा जाएगा, और उसी समय वो बोलने और सुनने लगते हैं। प्रिय भाई बहनों, किस प्रकार ईश्वर अपने जीवन में काम करते हैं, इसके बारे में आज का सुसमाचार के द्वारा हमें समझ में आता है। जब हम ईश्वर के लिए जीवन बिताते हैं, ईश्वर के साथ रहते हैं, ईश्वर को अनुभव करते हैं, वो हमारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। हमारा दैनिक जीवन में हम सभी बहुत व्यस्त रहते हैं, उसके बावजूद भी यदि हम ईश्वर के लिए कुछ समय दे पाते हैं, हमारा जो दैनिक जीवन में कार्य है उसमें खुशियां, तसल्ली, शांति, शालोम हम अनुभव कर सकते हैं। प्रिय भाई बहनों, हमारा जीवन किसके लिए है? जीवन में इतना मेहनत करते हैं किस कारण के लिए और किसके लिए, यह हमें पूछना है। यदि हमारे जीवन में तसल्ली नहीं है, शांति नहीं है, शालोम नहीं है, हमारा जीवन बेकार लग रहा है। हम ऐसे ही अपना जीवन बिताते हैं जैसे जानवर बिताते हैं। आज का सुसमाचार के द्वारा यही हमें अनुभव होना है, ज्ञान लेना है कि हमें ईश्वर के साथ उनको अनुभव करते हुए जीवन बिताने से वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। योहन का अर्थ, नाम का अर्थ क्या है? ईश्वर का अनुग्रह, जो ईश्वर से परिपूर्ण होकर प्रभु यीशु मसीह का रास्ता तैयार करने वाले थे। ये एक विशिष्ट नाम उनको दिया गया था। आज का पहले पाठ में नबी मालाकी इन्हें मसीह के अग्रदूत के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो उनके आगमन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। प्रिय भाई बहनों, हम भी अपने जीवन के द्वारा प्रभु का मार्ग तैयार करें, दूसरों को प्रभु का रास्ता दिखाएं, शब्द से नहीं अपने जीवन द्वारा, शब्द से नहीं अपने जीवन द्वारा। आमीन।